दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे ब्लॉक के बारे में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे रिबन के इस एरिया में होता है ब्लॉक का टूल बार। अब ब्लॉक होता क्या है, ब्लॉक का यूज कैसे करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने एक टाइटल बार बनाया है जो ड्राइंग एरिया बनाने के लिए, ये A4 साइज का मैंने लैंडस्केप बनाया है। लेकिन मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि सारी चीज़ें एक बार में सेलेक्ट हैं और मैंने ये दो चीज़ें सेलेक्ट नहीं की हैं, क्योंकि ये मुझे बार बार एडिट करना है। हर ड्राइंग में ड्राइंग का नेम देना है और नंबर को नंबर से चेंज करना है। तो मैंने सारी चीज़ें बना के एक ब्लॉक बना लिया, इसको कोई छेड़ नहीं सकता। अगर आप इसको मूव करना चाहो तो ये एक साथ ही मूव हो जाएगा, इसमें कोई एडिट नहीं कर पाएगा। ये एक इशू रहता है ड्राइंग बनाते टाइम कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी फिक्स होती हैं, या तो उनको बार बार कॉपी पेस्ट करना होता है या तो उनको हमें एडिट नहीं करना होता है और बार बार वो क्लिक हो जाते हैं, तो डर रहता है कि कुछ डिलीट ना हो जाए। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। एक मैंने कोई रेक्टेंगल ले लिया, मैं अभी इसका कलर चेंज कर देता हूँ। लेट सपोज हम लोग ऑरेंज लाइन से बनाते हैं। ऑरेंज लाइन का हमने एक रेक्टेंगल लिया। अब एक मान लो यहाँ पे सर्कल है, थोड़ा सा और बड़ा सर्कल बनाते हैं, डायमीटर 50 mm का। इसको मैं एक ऑफसेट देता हूँ, ऑफसेट 10 mm का अंदर की तरफ। इस पर एक मैं सर्कल लगा देता हूँ डायमीटर 4 mm का, एंड मैं इसको पोलर एरे कर देता हूँ। ऑलराइट, इसको मैं कर देता हूँ AutoCAD line। ये जो ऑब्जेक्ट है ये मुझे बार बार इसमें पेस्ट करना है कहीं इसी रेक्टेंगल एरिया में। तो मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है, मुझे यहाँ पे इसको पेस्ट करना है सेंटर मान के, और एक पॉइंट यहाँ था मुझे इसको भी पेस्ट करना है यहाँ सेंटर मान के, एक पॉइंट यहाँ था इसको सेंटर मान के यहाँ पेस्ट करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, या फिर कंप्लीट ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। पता चला ऐसे एक चीज़ छूट गया, ठीक है, तो दिक्कत क्या आती है, जैसे आपने सारा कुछ सेलेक्ट किया और कॉपी किया, आपने कॉपी किया यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दिया आपने, पता चला एक सर्कल सेलेक्ट नहीं हुआ, छूट गया। फिर आप इसको ऐसे कॉपी करोगे सब कुछ, फिर से कॉपी पेस्ट करोगे, तो ये एक इशू रहता है। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, इसको कंप्लीट एक बार में सेलेक्ट करके ब्लॉक बना लेते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये है क्रिएट न्यू ब्लॉक। तो आप सिंपल ब्लॉक का कमांड है या वहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं, BL एंटर करिए, ब्लॉक का कमांड ओपन हो चुका। इसको आप लिख दीजिए सर्कुलर एरे ब्लॉक। यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन मैं ऑलरेडी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर चुका हूँ तो मैं अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो एक सिंगल एक ब्लॉक बन चुका है। ऑलराइट, अब आप समझ रहे होंगे कि इसका यूज़ कहाँ होता होगा। मान लो कोई सेक्शनल व्यू है, बहुत सारे व्यूज़ होते हैं जिसमें मल्टीपल लाइंस वगैरह होती हैं, तो सबको एक ही बार में एक ब्लॉक बना दो, ताकि कहीं कॉपी पेस्ट करते टाइम वो चीज़ आपको बार बार सेलेक्ट ना करनी पड़े। अब अगर आप इसको कॉपी करोगे तो सिंपल एक ही ऑब्जेक्ट को आप क्लिक करके यहाँ रख सकते हो, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। इसमें कोई एडिट भी नहीं कर सकता, कोई डायमीटर भी नहीं बढ़ा सकता, इसका कोई एडिटिंग इसमें पॉसिबल अभी नहीं है। अब ब्लॉक देखते कैसे हैं कि कितने ब्लॉक हैं इस ड्राइंग एरिया में। अब ब्लॉक पे डबल क्लिक करिए तो आपको एक ऐसे ब्लॉक एडिटर डेफिनेशन मिलेगा, जहाँ पे आपको दिखाएगा कि कौन कौन से ब्लॉक हमने बना रखे हैं बाई नेम। यहाँ देखेंगे आप सर्कुलर एरे ब्लॉक, ये नेम से ही दिख रहा है आपको, ठीक है। डबल क्लिक अगर जैसे ही आप करेंगे उस ब्लॉक पे, आपको ये ऐसे एक लेआउट में ले आएगा, और यहाँ पे देखिए आप सब चीज़ों को बारी बारी से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं, ये इसका एडिटिंग का है जिसका शॉर्टकट भी वहाँ दिया हुआ है। मान लो आपको इस सर्कल का डायमीटर बढ़ाना था, इस पर डबल क्लिक करिए, इसका डायमीटर 4 का है, इसको 6 का कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ से क्लोज कर दीजिए और सेव द सर्कुलर एरे, इसको सेव कर दीजिए उसी में। तो देखिए उसी ब्लॉक में ये चेंज हो चुका है।
अभी यहाँ नहीं कर सकते थे आप, लेकिन आपने डबल क्लिक किया और अपने इस नेम पर डबल क्लिक किया और वो जिस लेआउट में आपको ले गया ओपन करके, यहाँ से आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। इसका मुझे मान लो डायमेंशन चेंज करना था और छोटा करना है, मान लो मैंने छोटा कर दिया। और जब मैं सेव करने जा रहा हूँ क्लोज ब्लॉक एडिटर, मैं यहाँ से सेव कर रहा हूँ, डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ, सेव कर दिया मैंने, और ये यहाँ पे ये वाला सर्कल छोटा हो गया। ऑलराइट, तो अब एक ब्लॉक ये था। दूसरा ब्लॉक कौन सा है? फॉर्मेट। इसको जो मैंने अभी फॉर्मेट बनाया, इसको एडिट करना चाहते हो तो डबल क्लिक करो और देखो ये यहाँ पे फॉर्मेट एडिटर में आ गया। जो दो चीज़ें मैंने ड्राइंग नेम और नंबर नहीं लिया था वो इस ब्लॉक में नहीं शो करेगा। तो आपको कुछ चेंज करना हो, जैसे लोगो हो या नेम हो, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये एक ब्लॉक का फ़ायदा है कि अगर आप वहाँ से जाएंगे तभी आप ब्लॉक में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपको फाइंड करने में आसानी होती है कि कितने टाइप के ब्लॉक हैं। मान लो यही ब्लॉक है, आपने क्लिक किया, आपको पता चल गया अच्छा इस नाम से कोई ब्लॉक है, आप बहुत सारी ब्लॉक्स थे ऐसे, आपने ये सेलेक्ट कर लिया, आपको दिख गए अच्छा ये सारे ब्लॉक एक जैसे हैं, सबको डिलीट करना था तो फ़िल्टर वगैरह लगा के आपने डिलीट भी कर लिया, है ना। ये ब्लॉक है, यहाँ से ऐसे ही सिंगल और मल्टीपल ये एडिटर दिया है, जैसे मैंने अभी आपको डबल क्लिक करके वहाँ से एडिट कराया, ऐसे सिंगल और मल्टीपल एक साथ आप एडिट कर सकते हो। तो ये था ब्लॉक का कमांड। आई थिंक आपको ब्लॉक का यूज समझ में आ गया होगा। जब आप इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करोगे, मान लो आपको चेयर का प्लान व्यू चाहिए, नकल जॉइंट का प्लान व्यू चाहिए, एलिवेशन चाहिए, तो उसको जब आप डाउनलोड करो ना और किसी ड्राइंग में इंसर्ट करो तो सबसे पहले उसको ब्लॉक बना लो, क्योंकि अगर एक भी लाइन या आर्क उसमें से छूटा तो पूरा का पूरा ब्लॉक डिस्टर्ब हो सकता है। ओके, तो ब्लॉक बनाने का फ़ायदा यही रहता है। आई होप आपको ब्लॉक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज टूलबार के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।